हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने। मेला देखने कहाँ पे? दीदी गाँव ना, और बड़ी वाली दीदी हैं जो, तो उन्हीं के गाँव जा रहे हैं। उनका गाँव है लच्छीरामपुर नाम है गाँव का, तो वहीं जाएंगे। वहाँ पे जो है मेला जो है वो लगता है जागेश्वर धाम का, होली से पहले लगता है। कितने? लगभग 10-11 दिन पहले लगता है होली से पहले मेला, और काफ़ी बड़ा मेला लगता है और काफ़ी फेमस मेला है वहाँ का। दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं, तो वहीं फिर हम लोग चलते हैं। और पूरा दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ मेला का, कैसा क्या है, सब आपको दिखाते हैं। और हमारा व्लॉग आज का मेला का है, ठीक है? मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं, देखो कैसे इनके बस चेहरे में चिंता ही चिंता रहती है हर समय 24 घंटे बस। और ये देखो भांजा बैठा है जाने के लिए रेडी, पहले गेम खेल रहा है और जाने के लिए रेडी है ये भी। और हमारी दीदी भी रेडी हो चुकी हैं, ये देखो ये हर जगह जाने के लिए रेडी रहती है बस। अभी सब लोग चलेंगे साथ में, तो आप लोग भी बहुत बड़ा हर चीज में आप लोग भी खाइए, आप लोग भी चलिए 12 बजे खाना। चलो फिर देखो नई नई मिली दुल्हन को। तैयार है दीदी भी, और धूप हो गई है। मम्मी कहाँ है? रेडियो जाने के लिए? हाँ तो बोल दो। हाँ अरे घूंघट के अंदर से आवाज निकल आएगी। चलो चलते हैं। हम सब लोग बैठ चुके हैं और आज भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। बोलो दीदी, बोलो जागेश्वर बाबा की जय। और जागेश्वर बाबा का नाम लेके हम लोग चल दिए घर से, और मेला हम लोग वही जाके देखेंगे, फिर आपको वहीं मिलते हैं। पहले उससे पहले गांव जाएंगे अपने दादी के पापा के गांव, जहाँ पापा पले बड़े हैं और वहाँ वहीं से पढ़ाई की है। वहीं हम लोग का तो यहाँ पर घर शहर पे बाद में बना है, बट पहले गांव जाएंगे, आपको गांव पे दिखाते हैं सब, ठीक है? हम लोग आ गए हैं गांव, देखो गांव की गलियाँ, और काफ़ी पुराने 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 घर बने हुए हैं। और देखो देखो ये है पापा का घर, छोटा सा और काफ़ी पुराना, पहले पापा यहाँ रहते थे। एक घर और है पहले उसमें रहते थे, अभी तो बाद में बनवाया गया है। अभी देखो कैसे बकरी ली हुई, देखो। और यहाँ है बकरी, देखो को पकड़ते हैं, छोटी सी बकरी, ये देखो देखो कितनी हरी टैडी रही है, टैडी से सिट्टू को टैडी लग रही है। देखो बकरी है छोटी सी, कैसे बोल रही है मैं। कैसे बोल रही है मैं पागल। मैं बोल लेती हूँ, बोले यही तो आता है बकरी में बोलना। और ये घर का पीछे साइड का व्यू है, देखो आज चूल्हे बनाने का मौका मिला है, और कैसे रोटी गुलियाई जा रही है देखो। बनाई हूँ चूल्हे में, आज से पहले बनाई हूँ कभी रोटी? बनाई हूँ घर में। अच्छा फिर कैसी बनाई हूँ? अच्छा बेलने वाली, ये सिर्फ पोई वाली रोटी है ना, इनको ऐसे ऐसे हाथ से ही बस इसको बड़ा कर देते हैं और ऐसे बेल के उसमें तवा में रख देते हैं और बस ऐसे ऐसे आगे अंदर आग में पका लेते हैं। तो आज पापा की वजह से ये वाली रोटी खाने को मिलेगी। जब बचपन में थे तब ऐसी रोटी खाए थे, और बहुत दिन बाद आज मिला है कि है बस खाने को मिलेगी ऐसी रोटी। और क्या कहते हैं, ये मौसी थी हमारी जो अभी आके चली गई है, शर्मा गई चली गई दूर, देख लो इनकी स्पीड देखो कैसी। और कितनी देखना कितनी गोल रोटी बनेगी, देखो देखा ये देखो कितनी गोल रोटी बनी है ना, हाथ से लंबी बनी है, गोल तो है। आग की रोटी जो होती है ना ऐसे चूल्हे की, वो बहुत अच्छी महकती है, महकती बहुत अच्छी, और खाने में भी अच्छी लगती है। और जैसे जैसे गैस वाली रोटी खाएंगे ना, तो जैसे अगर एक रोटी खा लो और गैस वाली दो रोटी खा लो बराबर ही है ना, क्योंकि इसमें आटा बहुत सारा रहता है, इसकी एक आटे की लोई में 2-3 रोटी बन जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा है। और जो गैस वाली होती है उनमें तो बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन होता है उसमें, तो वो केमिकल जो है ख़राब भी करता है, पर आजकल सब लोग जल्दी के चक्कर में सब गैस बना लेते हैं।
देखो संध्या वैसे कभी बनाई तो नहीं है ये वाली रोटी, बट ऐसा लग रहा है एक्सपर्ट है बहुत। देखो कैसे बैठी हुई है, जैसे गुंडा बैठा हो छोटा सा। इधर आओ, देखो देखो गरम गरम जो है घी में लिपटी हुई रोटी, और ये देखो कैथे की चटनी बहुत अच्छी है यार, बहुत खट्टी है, और सब्जी ये नया जो चना होता है ना उसकी सब्जी बिल्कुल यार, इसका स्वाद देखते हैं मेरे को, और इसका स्वाद देखना भी मस्त, एक नंबर स्वाद आएगा। गांव की बात की कुछ अलग है खाने की। एक नंबर स्वाद है यार, चटनी बहुत अच्छी लग रही है कहते हैं। ये है हमारा पूरा पापा का पहला घर, पापा और पापा की दादी जो हमारी है वो यहीं रहती थी, और बहुत छोटा सा रूम है। पापा हमारे पहले बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल हालात से उठे हुए हैं, और आज जाके हमारे पास ठीक ठाक है, ज़्यादा बहुत बड़े तो नहीं हैं, बट हाँ मिडिल क्लास इतना है कि मिडिल क्लास कहला सके। और देखो अभी आपको अंदर दिखाता हूँ, घर के अंदर बहुत छोटा कमरा है, बहुत ही छोटा है, देखता हूँ अंदर से। ये देखो छत जो है बिल्कुल गिर चुकी है, और बहुत ही ऐसा लग रहा है ठंडा है। पापा पहले इतने ये साइकिल पुरानी रखी है, और बस यही है। देखते हैं पहले बचपन की फ़ोटो हैं, आपको फ़ोटो दिखाऊंगा इस घर के सामने, जब हम पहले घर में रहते थे ना, मैं इतना छोटा था, तो एल्बम में फ़ोटो लगी हुई है। तो इस घर के सामने जब हम पहले रहते थे तो पहले की बात ही अलग कुछ थी यार, अब पुरानी चीज़ें अगर देखो ना तो बहुत याद आता है और बहुत अजीब सा लगता है फिर। यहाँ पर मेरा माइक हो चुका था डेड, और उसके बाद तो मैं सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँ, तो मैंने बाबा से पूछ रहा था कि बाबा की उम्र कितनी है, तो बाबा बता रहे थे, बहुत बाबा खुशी थे मेरे से बात करके, बहुत दिन बाद बात हुई बाबा से, तो उन्होंने बताया मेरी उम्र है 82 साल, और 82 साल में भी काफ़ी फुर्तीले हैं मेरे बाबा जी। अब मेरे गाँव से मेरा घर जो है यहाँ शहर में 15 किलोमीटर पड़ता है, तो वो 15 किलोमीटर जो है साइकिल से ही ट्रैवल कर लेते हैं, और आज भी वो बराबर ही काम करते हैं गांव में, भैंस हैं उनको चारा देना और खेती करना, और आप देख रहे होंगे कितना मेहनत करते हैं। शक्ल से ही पता आ रहा है कि बूढ़े लोग के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, और वही बस गांव की बातें बता रहे थे और हम साथ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने और उनके चोट भी लग गई थी, एक बार गिर गए थे, भैंस ने मार दिया था उनको, तो चोट लग गई थी उनके, तो तब से थोड़ा बाबा बीमार रहते हैं। बाबा से मिलने के बाद हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से, और हम जा रहे हैं जीजा के गांव, जीजा घर पे। ये देखो उनका घर है, ये यहाँ पर पूरा बाहर से बहुत बढ़िया नज़ारा, देखो एक कार हमारी खड़ी है, काफ़ी हरियाली है इधर, बकरियाँ यहाँ भी है, इधर पहले भैंसे रहती थी पर भैंसे शायद बिक गई हैं उनकी, और देखो यहाँ गुलाब के फूल कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, ये देखो है ना बगीचा टाइप है पूरा नीचे, और ये है गेट घर का। और देखते हैं आगे संध्या क्या कर रही है। मैं जा रहा हूँ ऊपर, अब शायद वो पीछे बेर लगी है तो वही खा रही है, ये देखो ये बगुआ है रुद्र भांजा मेरा, और ये देखो ये लोग क्या कर रही हैं सब, देखो संध्या को क्या कर रही हो, इनको तो कुछ जरूरत ही नहीं लग्घा को, देखो लग्घा ऐसी खुद ही है। देखो इधर ए लग्घी क्या कर रही है, देखो कितनी सारी तोड़ के इकट्ठा कर रही है, देखो आज का ब्लॉग तो काफी बड़ा होगा, आप लोग बोलते थे ना कमेंट में ब्लॉग बड़ा बनाओ बड़ा बनाओ, तो आज का ब्लॉग हम लोग बड़ा ही बनाएंगे। ये देखो एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है यहाँ जागेश्वर बाबा का, और देखो भीड़ देखो यहाँ पे मेला की, देख रहे हो आप लोग भीड़, इतना बहुत प्रसिद्ध मेला है वैसे, हर साल यहाँ पे कम से कम 11 दिन का मेला लगता है, और डेली डेली जो है रोज भक्त आते हैं, सामान खरीदते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बस इसी चीज़ का मेला है सब। ये है जागेश्वर मंदिर पूरा, और ये भगवान जी का एक अवतार है, शिव भगवान का,
काफी माना वो मंदिर है यहाँ का। यहाँ पे मम्मी ने जैसे जैसे मुझे बताया वैसे वैसे मैं पूजा करता जा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा वैसे पूजा का एक्सपीरियंस तो नहीं है पूजा करने का, बट बस कर रहा हूँ। भगवान पे श्रद्धा है बट ज़्यादा मैं पूजा नहीं करता हूँ वैसे, पर मम्मी मेरी बहुत आस्तिक हैं और बहुत पूजा करती हैं। तो हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे और भगवान जी पे हमने फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया और उसके बाद प्रसाद भी चढ़ाया। वही तो कहाँ इसका वो क्या लेना बताओ? खिलौना। खिलौना? कौन सा खिलौना? डॉल। अरे डॉल वो वाला चाहिए क्या, वो जो ऐसे से करता ऐसे से करता? कौन सा खिलौना चाहिए? ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला खिलौना। हाँ करता। अभी चिज्जी दिलाएंगे ठीक है तुम्हें? ठीक देखो उस पर नाम लिखते हैं, देखो यहाँ पे नहीं मैं नहीं लिखवाऊंगा आपका नाम, नहीं किसी अपने फैन का नाम लिखवाऊंगा, अपने गले में पहनूंगा। गुस्सा कहने करने कर दो तुरंत गुस्सा हो जाती है। और देखते हैं अभी आपको और दिखाते हैं, यहाँ झूले भी काफ़ी हैं, अभी झूले दिखाऊंगा आपको। देख रहे हैं इनको पत्थर काट करके कारीगरी है ये बना रहे सिलौटी उलौटी वगैरह और बिल हुरसा वगैरह बेलना वगैरह सब बनाते हैं। झूला देखो देखो, अभी हम लोग इसे बैठेंगे फिर उसके बाद वहाँ से रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। नहीं इसी में गोल वाले में इसी में चलना है ठीक। किस में नहीं चलना? हट डर नहीं लगती, मैं तो इसमें जाऊँगा, मुझे मजा आएगी, इसी में चलेंगे ठीक है। अभी सब लोग हम झूला झूलेंगे ये वाला बड़ा वाला ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें बैठोगी इसमें समझा खिलौना वाले इसे बहू बना के तुमको बैठा दूँ बैठोगी? पागल तुम्हारे लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए। रुक रुक आ जाओ साहब बहुत मजा आ रहा है। तो फिर अब हम ये वाला झूला झूल के चलते हैं, फिर दूसरे बड़े वाले झूले पे जो गोल वाला है ना उस पे चलते हैं। यहाँ पे अभी मेरा माइक डेड हो गया था और तो मैंने सोचा मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, बट यार इस समय का जो रिकॉर्डिंग है ना वो होना चाहिए था इसकी आवाज़ की, क्योंकि इस समय संध्या का जो रिएक्शन है वो देखने लायक था। वो बहुत ही डर रही थी, देखो उसका चेहरा देखो कैसे 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 कर रही है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल डरी जा रही है, ऐसा लग रहा है गिर जाएगी। मुझसे बोल रही थी कि मैं कूद जाऊंगी, रुको प्लीज़, इसे कह रही थी कूद जाऊंगी मैं, और बस चेहरे का रिएक्शन देखते जाओ। चेहरा तो देखो इनका कितना तेज डर रही है, और मेरे से बस कह जा रही है प्लीज़ रुकवा दो रुकवा दो, ना सामने देख रही कहीं देख ही नहीं रही थी, बस आँखें बंद करके डर रही थी और चिल्ला रही थी। और काफ़ी मज़ा आया वैसे इस झूले में, तो बहुत मज़ा आया, सिर्फ यही वाला झूला झूली और उसके बाद से बोल रही थी आज के बाद कभी नहीं झूलूंगी मेरे और मेरे कहने पे भी नहीं झूलूंगी। देख रहे हैं इसकी हालत। और बहुत मज़ा आया यार इस झूले में। जब नीचे आ जाता ना तो बिल्कुल शांत हो जाती, जब जैसे ऊपर से नीचे गिरता ना झूला तो फिर देखने लायक था। देख रहे इसको चेहरा। शाम का वक्त हो गया था तो झूले वाले ने झूला बंद कर दिया था, बट जीजा का गांव है ना तो वहाँ पर जान पहचान है, तो सिर्फ देखो पूरे झूले में सिर्फ हम ही दोनों बैठे हुए हैं और सिर्फ हमारे लिए झूला झुलाया गया था। काफ़ी स्पेशल फील हो रहा था उस समय वैसे। और सब लोग देख रहे थे कि सिर्फ पूरे अकेले झूले में सिर्फ यही दोनों झूल रहे और इनकी हालत बस देखने ही लायक है। देखो कैसे डरी हुई है, बिल्कुल से सहम गई थी, और उसके बाद तो इन्हें उल्टी भी आई और उल्टी भी किया इन्होंने और तबीयत भी खराब हो गई थी इसी वजह से इनकी।
तो संध्या कहने पर मैंने फिर झूला रुकवाया और उसके बाद से काफ़ी डरी हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोग बस निकल गए थे, झूला रुक गया था और इनको चैन सांस में सांस आई इनके, देखो कैसे, और इनकी हालत देखने लायक थी। बस हो गई है शाम, काफ़ी शाम हो गई है और थोड़ा मार्केट कर रही थी, सामान ले रही थी और देखो उन्होंने क्या लिया, बिंदी ली है अपने लिए, छोटी छोटी बिंदी ली है और कितना खुश है, छोटी छोटी चीज़ों में खिस रहती है मेरी पागल। और फिर हम लोग बस अब शाम हो गई है, उसके बाद हमारा ब्लॉग ख़त्म ही होता है लगभग और अब हम घर की ओर निकलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।